तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो हमें यहाँ पे एपी गिवन है 121, 117, 113, इसका जो हमारा यहाँ पे पहला नेगेटिव टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे कौन से टर्म पर आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 121 है, सेकेंड टर्म 117 है, ऐसे करते करते हमारे यहाँ पे कौन से नंबर पे नेगेटिव टर्म आएगा वो हमें यहाँ पे बताना था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक एपी सीरीज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, एक एपी सीरीज बन रही है। इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारे यहाँ पे 121 होगा और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 117 माइनस का 121, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला होता है, मैं आप लिख देता हूँ, एन टर्म का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या एन टर्म है जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या 121 प्लस और जो यहाँ पे एन की वैल्यू वो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो इसको हम यहाँ पे एन माइनस वन ही लिखेंगे और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे यहाँ पे माइनस का 4 है। तो माइनस के 4 को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 121 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 एन, एंड यहाँ पे माइनस को 4 से माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 121 प्लस का 4 माइनस का यहाँ पे 4n। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 माइनस का 4n, और ये हमारे यहाँ पे क्या था, एन टर्म था, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या निकालना था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना था। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे एन टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, फोर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो हमारे यहाँ पे एन टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एन टर्म का जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था उसके जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 माइनस का 4n, ये हमारे यहाँ पे क्या था, लेस देन 0 था। 4n हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 लेस देन यहाँ पे आ जाएगा 4n। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, n पे हमारे यहाँ पे क्या था, ग्रेटर का साइन था, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन n पे रखेंगे और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 8, एंड यहाँ पे आ जाएगा 31.25। तो जो हमारे यहाँ पे n टर्म है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 31.25 से ग्रेटर है। तो अप्रोक्स में ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो हमारे कितने नंबर पे आएगा, वो हमारे यहाँ पे 32 वाले टर्म पर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो हमारे कौन से वाले टर्म में आएगा, 32 टर्म पर आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 32 होगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले नंबर पे 121 है, तीसरे पे 113 है, ऐसे 32वें टर्म पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, पहला नेगेटिव टर्म आएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।